नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण था कि शूर्पनखा खुद मरवाना चाहती थी अपने भाई रावण को, और किसकी वजह से हुई थी गर्भावस्था में विधवा, तथा क्या क्या उपाय किए उसने रावण को मरवाने के लिए। साथियों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो बने रहे कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार देते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक पौराणिक कहानियां आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण तथा माता सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक और अहम किरदार था जिसका नाम शूर्पनखा था। कहा जाता है कि अगर शूर्पनखा ना होती तो रामायण में लंका खांड ना होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पनखा की नाक काटे जाने के कारण ही हुआ था। शूर्पनखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन इस कहानी में आइए जानते हैं शूर्पनखा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। साथियों, राक्षस कुल की होने के कारण शूर्पनखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे और रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पनखा का रंग रूप बहुत ही डरावना था। शूर्पनखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था। शूर्पनखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था, और वह राजा कालकेय का सेनापति था। एक बार रावण और कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण के हाथों शूर्पनखा का पति विद्युत जिह्वा मौत को प्राप्त होता है, और उस समय शूर्पनखा 6 महीने की गर्भवती होती है, और यही कारण था कि रावण ही अपनी बहन शूर्पनखा के दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पनखा की जिंदगी वीरान सी हो गई, और तभी से शूर्पनखा ने अपने भाई रावण से पति की मौत का बदला लेने का प्रण लेती है। लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था, इसीलिए वह चुपचाप अपने रिश्तेदार खर और दूषण के पास पंचवटी आ जाती है, और वहां पर उसने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम जम्बुमाली था या होता है। समय के साथ जम्बुमाली जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में अपनी मां शूर्पनखा से पूछा, और मां के द्वारा यह जानकर कि उसके पिता का वध रावण ने किया है, वह अत्यधिक क्रोधित होता है, और रावण के अंत की कामना करते हुए वह घोर तपस्या में उसी जंगल में लीन हो जाता है। और उधर अपने 14 वर्षों के वनवास के पश्चात दशरथ नंदन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पंचवटी पहुंचते हैं। कहानी के अनुसार कहा गया है कि शूर्पनखा का भगवान राम और लक्ष्मण पर मोहित होना व विवाह का प्रस्ताव देना उसकी एक माया थी। उसका मकसद तो भगवान राम और रावण के बीच शत्रुता पैदा कराना था, क्योंकि उसने श्री राम के पराक्रम के बारे में बहुत सुना था, और तभी से रावण से बदला लेने की इच्छा फिर से जाग उठी थी। इसीलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा कराने का काम किया था, और शूर्पनखा की वजह से ही रावण ने सीता का अपहरण किया था, और राम के द्वारा ही लंका के सारे राक्षसों का खात्मा हुआ, तथा अंत में रावण भी श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद शूर्पनखा भाई विभीषण के साथ लंकापुरी में रहने लगी है, और कुछ सालों बाद शूर्पनखा और उसकी सौतेली बहन जिसका नाम कुंभिनी होता है, दोनों समुद्र के किनारे मृत अवस्था में
पाई जाती हैं या पाई गई थी। साथियों, इनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में, ये कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।